एक छोटी सी बालिका हमें मिली। बेटा आपका नाम क्या है? अक्षिता सेमवाल। इसका नाम है अक्षिता सेमवाल। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? तानेश्वर चिल्ड्रन एकेडमी। वेरी गुड। कौन सी क्लास में हो? थर्ड क्लास में। वेरी गुड। तो इसका नाम है अक्षिता सेमवाल और ये तीसरी कक्षा में पढ़ती है तानेश्वर चिल्ड्रन एकेडमी। वेरी गुड बेटा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं बालाजी डिस्ट्रीब्यूटर शॉप से और जा रहा हूँ अपने गांव की तरफ और दिखाऊंगा आपको अपने खेत लहराते हुए खेत। और आजकल बरसाती सीजन है, आज तो मौसम काफ़ी साफ है और आसमान भी देख सकते हैं काफ़ी नीट और क्लीन है। तो आज मैं खेत दिखाने जा रहा हूँ, तो कर लेते हैं एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो, हाय, प्रणाम, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते उत्तराखंड ब्लॉग में। तो एक नए दिन के साथ करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। चलो आज कुछ नया देखते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे लेने हैं मुझे चिप्स और बिस्किट इस वाली शॉप से और फिर निकलना है गांव की तरफ, क्योंकि गांव में है मयंक और आरुषि, उनके लिए चिप्स और बिस्किट ले जाने हैं मुझे। फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंच गया हूं पीपल के पेड़ के पास आधे रास्ते में और यहां देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत खेत। यहां देखो काफ़ी ऊंचा हो गया ये ये मंडुआ है, ये झंगोरा है, ये झंगोरा के खेत हैं। और इधर आगे धान के खेत भी दिखाऊंगा और मेरे पीछे है एक शॉप, यहां पे राणा जी की शॉप है, राणा जनरल स्टोर। ये हमारे सानेश्वरी स्कूल में टीचिंग भी करते हैं और पार्ट टाइम पे ये शॉप भी चलाते हैं। तो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मिलनसार हैं। और इनका जो मूल गांव है वो कहाँ है सर आपका गांव? किमाणा है, बस केदार से 4-5 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो काफ़ी बढ़िया गांव है, काफ़ी खूबसूरत गांव है, मैं पर्सनली वहाँ जा चुका हूँ। तो बने रहिए, पूरा ब्लॉग अंत तक ज़रूर देखिए। अभी मैं जा रहा हूँ गाँव की तरफ और खेतों का नज़ारा भी आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी पुराना पीपल का पेड़ है, लगभग 600-700 साल पुराना पेड़ है। आप देख सकते हैं कि कितना ऊंचा पेड़ है ये। और यहाँ पे काफ़ी लोग आके यहाँ पे बैठते हैं इसकी छाया में। अभी तो हल्की हल्की धूप आ रही है क्योंकि डूबते हुए। और यहाँ पर एक छोटी सी बालिका हमें मिली। बेटा आपका नाम क्या है? इसका नाम है अक्षिता सेमवाल। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? तानेश्वर चिल्ड्रन एकेडमी। वेरी गुड। कौन सी क्लास में हो? थर्ड क्लास में। वेरी गुड। तो इसका नाम है अक्षिता सेमवाल और ये तीसरी कक्षा में पढ़ती है तानेश्वर चिल्ड्रन एकेडमी। वेरी गुड बेटा। और ये जा रही है मार्केट की तरफ और मैं जा रहा हूँ गाँव की तरफ। और देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। हल्की हल्की धूप पड़ रही है क्योंकि अब 5:15 बजे के लगभग का टाइम हो गया है और सूर्य छिपने के कगार पे आ गया है। सामने से पड़े स्ट्रेट धूप और सीधे मेरे आँखों को लग रही है। और ये इसको तोर बोलते हैं, तोर के पौधे। और यहाँ पे मैं झंगोरा भी दिखाऊंगा, पहले भी दिखाया था और अब भी दिखा रहा हूँ। ये इस तरह से झंगोरा काफ़ी बड़ा हो गया है, लगभग 10-15 दिन में इसकी कटिंग शुरू हो जाएगी झंगोरा की। और ये देख सकते हैं पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं, झंगोरा। और ये तोर काफ़ी टेस्टी दाल होती है इसकी। और नीचे की तरफ है ये सोयाबीन के खेत। और यहाँ पे बन रहा है गाइस नया मकान, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ये चारों तरफ का व्यू और नज़ारा भी आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत। यहाँ पे कुछ ने तो झंगोरा काट भी दिया है, ये इस तरह से ये काट के इस तरह से लगा दिया है, आप देख सकते हैं वीडियो में। और जा रहा हूँ मैं गांव की तरफ, बने रहिए ब्लॉग को अंत तक ज़रूर देखिए। और यहाँ पे गाइस ये है तिल के पौधे, ये दिखा रहा हूँ मैं, ये रहा तिल, ये देख सकते हैं। और ये गांव का रास्ता आप देख सकते हैं किस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप तोर पे किस तरह से फूल निकलते हैं, ये देख सकते हैं काफ़ी रंग बिरंगे फूल हैं, पीले हैं, कुछ रेडिश कलर में हैं, ये देख सकते हैं। और इसमें भौरे भी हैं, ये ऊपर देख सकते हैं, ये एक ड्रैगन फ्लाई है। और चारों तरफ का दृश्य भी आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि
सूर्य की किरण थोड़ा तिरछी होके पड़ रही है तो इसलिए मेरी आंखों पे चमक नहीं हो रही है, इस तरह से प्रॉपर मैं वीडियो ग्राफिक कर पा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू भी, और ये है तोर के फूल, तोर के पौधे हैं तो उनमें फूल लगे हुए हैं, एक महीने लगभग में इनमें फली भी आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे है ये सोयाबीन के पौधे, अब देख सकते हैं फिर से वही तोर के, ये चारों तरफ तोर के ही पौधे हैं, अब देख सकते हैं। अभी मैं धान के पौधे भी दिखाऊंगा आपको। तो गाइज ये है नहर जिसमें पानी आ रहा है और ये पानी जा रहा है धान के खेतों में, आगे लगा हुआ है ये, और ये इस तरह से आता है यहाँ गदेरे से आजकल लाया जा रहा है ये पानी। वैसे नदी से भी आता है मोटर के माध्यम से, काफ़ी बड़ी मोटर लगी हुई है। और ये देख सकते हैं आप चारों तरफ का नज़ारा लोग खेतों में जाते हुए। गाइस ये देख सकते हैं अरबी के पत्ते काफ़ी बड़े बड़े हैं, ये अरबी है और काफ़ी बड़े हैं अरबी। फाइनली आप देख सकते हैं धान के पौधे कितने बड़े हो गए हैं, और इस किसी किसी में बालियां भी आ गई हैं हल्की हल्की सी, और लगभग इसको तैयार होने में लगभग एक महीने के करीब का समय और लगेगा। ये चारों तरफ जहां भी आपकी नज़र जा रही है वो सारे धान के खेत हैं, ये चारों तरफ। ये पूरा व्यूज हमारे गांव, हमारे नगर पंचायत तिलवाड़ा का है, काफ़ी खूबसूरत दृश्य आपको दिख रहा होगा। आसमान में हल्के से बादल, वैसे तो आसमान साफ है पर कहीं कहीं पर वाइट बादल हैं, तो जब काले बादल आएंगे तो बारिश की संभावना बनी रहती है। ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत दृश्य। और ये भतीजा हमारा जा रहा है मार्केट, और ये चारों तरफ का दृश्य, ये धान के खेत हैं चारों तरफ। मैं ऊपर काफ़ी ऊंचाई पे आ चुका हूँ और ये चारों तरफ धान के खेत आप देख सकते हैं, और यहाँ से परफेक्ट नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से सूर्य भी दिखाई दे रहा है, सूर्य महाराज जो कि अब छिपने जा रहे हैं, और ये चारों तरफ का दृश्य। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं गदरा, और गदरे में एक वो बना रखा है स्विमिंग पूल टाइप का, ये देख सकते हैं ये गदरा है। और आजकल बरसात में काफ़ी पानी है इस गदरे में, ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है झरने के। फ्रेंड्स अब मेरे गांव का जो है चढ़ाई वाला रास्ता स्टार्ट हो चुका है, और ये देख सकते हैं इस तरह से सीढ़ियां हैं यहाँ काफ़ी सारी, और इन्हीं सीढ़ियों को चढ़ते हुए घर तक पहुंचना है। और काफ़ी सीढ़ियां हैं, उसके बाद काफ़ी समतल है और काफ़ी चढ़ाई तो है ही, पहाड़ी एरिया है। जिस तरह से सीढ़ीनुमा खेत होते हैं उसी तरह से हमारे रास्ते भी लगभग सीढ़ीनुमा होते हैं अगर हमें ऊँचाई पर चढ़ना होता है। स्लोप टाइप में बहुत कम होते हैं क्योंकि बरसात में फिसलने का काफ़ी खतरा रहता है। तो फ्रेंड मैंने चढ़ाई वाला रास्ता जो है वो कवर कर लिया है, अब सीधा सीधा रास्ता है, और बस मेरे घर के नीचे से थोड़ा हल्की सी चढ़ाई है लगभग 15-20 मीटर की, और ये समतल रास्ता स्टार्ट हो चुका है। और वीडियो पर आप ज़रूर बने रहे अंत तक, और अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो नीचे जो घंटी होती है ना रेड कलर की, बेल आइकॉन जिसको बोलता है, उसको प्रेस ज़रूर करना ताकि कभी भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन
मिलता रहे। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं अपने गांव वाले घर में पहुंच चुका हूं और ये रहा हमारा गांव का घर, इस तरह से ये बना हुआ है, काफ़ी ऊंचाई पे है और नीचे भी हमारा गांव है, पीछे देख सकते हैं जिधर मैं इशारा कर रहा हूं। आजकल बरसाती सीजन है, पेड़ काफ़ी हरे भरे हैं, इस वजह से पूरा गांव हमारा दिखता नहीं है और जो हमारा गांव है वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड है। पानी और मैं पी रहा हूँ पानी, अभी मम्मी ने पानी दिया और प्यास लग रही थी और चाय भी रखी हुई है सामने और अभी मैं पहले पानी पीऊँगा और उसके बाद चाय पीऊँगा। आप जानते ही हैं उत्तराखंड में चाय काफ़ी पॉपुलर है, चाय का ज़्यादा चलन है क्योंकि हमारा जो एरिया है उत्तराखंड का काफ़ी ठंडा एरिया होता है, इस वजह से चाय जो है वो यहाँ का मुख्य पेय है। पानी भी काफ़ी स्वादिष्ट होता है, ये जड़ी बूटियों का शुद्ध पानी होता है। पानी मैंने फिनिश कर लिया है और अब मैं जा रहा हूँ चाय पीने, यहाँ पे चाय रखी हुई है और जा रहा हूँ मैं चाय पीने। काफ़ी टेस्टी बनी हुई है चाय। और तो गाइज अब मैं निकल रहा हूँ, मम्मी ने पैकिंग कर दी है यहाँ पे और निकल रहा हूँ मैं अब तिलवाड़ा की तरफ और आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसमें लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हो देव भूमि उत्तराखंड।